कभी घोड़े पे बैठे हो? घोड़े पे लगाम होती है ना, अगर आप लगाम को इधर करोगे तो उधर जाएगा ना वो, अगर उधर करोगे उधर जाएगा ना वो, लगाम लगी हुई है भाई। जी हाँ दोस्तों, लगाम लगी हुई है। और ये जो लगाम है, ये दिन पे दिन ये एंकर लोग और ज्यादा कसवाते जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फैक्ट्स की और रियल इश्यूज की तो समझिए इन लोगों ने बत्ती बना दी है। और बत्ती बना के क्या किया है आप भली भांति जानते हैं। मतलब इन लोगों ने अब इतनी हंसी उड़वा ली है अपने देश में और विदेशों में कि अब भारत के टीचर भी इन्हें क्लासों में पढ़ा रहे हैं। ये एक दिन जीडीपी पे बहस कर रही थी, बड़ा हंसी आया कि भाई साहब जीडीपी पे बहस करने निकले, इनको पता भी होगा कि जीडीपी निकलता है कितने टाइप से, ये पूरा जीडीपी पे बहस करके इसको यही पता नहीं होगा कि कौन सी जीडीपी पे बहस हो रहा है यहाँ पर। खबरदार अब बहुत हो गया। आप भारत की किसी भी चीज को लेके विदेश में जाकर गर्व कर सकते हैं, लेकिन भारत की मीडिया एकमात्र ऐसी चीज है जिसको लेकर आप दुनिया के किसी भी देश में सर उठाकर बात नहीं कर सकते। यही हकीकत है। अब की बार भड़ गए पत्रकार, ये हकीकत है। तो दोस्तों बातें बहुत सारी हैं, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें। कोरोना भाई क्यों नहीं कर रहे? मतलब दोस्तों अजय देवगन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान विमल की एड में क्या आए, लोगों ने गुटके को ही तस्करी करने का जरिया बना लिया, गुटके के पाउच को। कौन नया खिलाड़ी आया है? विमल बोलो जुबान केसरी। कलकत्ता में कस्टम डिपार्टमेंट ने गुटके के पाउच के अंदर से करीब 40,000 यूएस डॉलर्स, करीब 32 लाख रुपए पकड़े गुटके के पाउच के अंदर से। वाह क्या सीन है। मतलब 32 लाख रुपए के लिए इस आदमी ने कितनी मेहनत करी है, गुटके के पाउच के अंदर नोटों को भरा है। मतलब मुन्ना भैया सही बोलते थे, गुटका कम खाया करो नहीं तो टट्टों का कैंसर हो जाएगा। और इस आदमी को जब कस्टम वालों ने पकड़ा होगा ना, बिल्कुल ऐसी ही मुस्कान इसने दी होगी। और गुटके का नाम तो देखिए, शुद्ध प्लस, गुटका भी शुद्ध होने लगा देसी घी की तरह। और ये बिना किसी गुटके के फैक्ट्री वाले के मदद के बिना तो पॉसिबल नहीं है कि इतनी सफाई से नोटों को गुटकों के पाउचेस के अंदर भर दिया जाए। खैर जो भी है, देखने में बहुत ही अचंभित, अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और दोस्तों जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, तब से आप मान के चलिए कुछ लोगों की नींद ही उड़ गई है। अब भले ही यात्रा से कुछ फायदा हो रहा हो ना हो रहा हो, भीड़ आ रही हो ना आ रही हो, ये दो चार लोग हैं इंक्लूडिंग गोदी मीडिया की जिनकी शुरुआत, दिन की शुरुआत राहुल गांधी से ही हो रही है और दिन का अंत भी राहुल गांधी पे ही हो रहा है। जिनमें से सबसे ऊपर हैं, इनके जो सरताज हैं, वो हैं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय। मतलब ब्रांडेड टी शर्ट से शुरू होते हुए जूते का फीता, भारत तोड़ो यात्रा, जनेऊ उल्टा पहन लिया, उल्टी रामनामी, 5-स्टार कंटेनर में रह रहे हैं, विवेकानंद के स्टैचू पर नहीं गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, राहुल को चमकाना है, हाफ टी शर्ट पहन के क्यों चल रहे हैं, बच्चों से प्रचार करा रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब से जब काम नहीं चला और यात्रा जैसी चल रही थी वैसी चलती जा रही है, तो ये एक नया लेके आए हैं। नया तो नहीं है, हथकंडा है तो पुराना ही, लेकिन फिर से रीलॉन्च किया है, क्लिप कटवा हथकंडा। जी हाँ, क्लिप काट काट के वायरल करना। तो इन्होंने वायरल करी कि राहुल गांधी बता रहे हैं कि इस देश की जनसंख्या जो है वो 140 करोड़ रुपए है। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ रुपए। देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में बताना चाहता हूं। अब देखिए आप पूरी वीडियो। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ लोग, ठीक है, पहला नंबर याद रखिए। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की एक वीडियो वायरल करी, वो भी क्लिप कटवा हथकंडे के जरिए करी। इस देश में रहने वालों को, 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा। दिया नौकरी नहीं, आपको मिला होगा, क्योंकि यहाँ लड़ाकू लोग ज्यादा है। अब इनका भी पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। इस देश में रहने वालों को, 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा। दिया नौकरी
नहीं, आपको मिला होगा क्योंकि यहाँ लड़ाकू लोग ज्यादा है, लड़ने वाले हैं, इसलिए मिला होगा 2 करोड़ आपको। नहीं मिला, 15-15 लाख देने का वायदा। अब रिसेंट में इन्होंने एक और क्लिप अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करी है, जिसमें ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी कैसे देश में तपस्वियों और देश के पुजारियों को लड़वा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुजारियों का कोई महत्व नहीं है, तपस्वियों का ही महत्व है। ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है, ये देश पुजारियों का नहीं है, ये देश पुजारियों का नहीं है। अब आप इसका भी कॉन्टेक्स्ट सुन लीजिए कि किसकी पूजा करने की वो बात कर रहे हैं। क्या ये मंदिर के पुजारियों की बात हो रही है या किसी पार्टी के पुजारियों की बात हो रही है? और बीजेपी आरएसएस इस देश को फोर्स्ड पूजा की ओर ले जा रही है, धन का प्रयोग करके, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके, लोगों को डरा के, आप लोगों को डरा के। वो आपसे कह रहे हैं भैया तपस्या मत करो, आपसे कह रहे हैं आपकी जो तपस्या है, जो सच्चाई मतलब आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पे डालनी है, वो मत करो, मार देंगे, हमारी पूजा करो। तो ये लड़ाई है पूजा और तपस्या के बीच में, हमारा संगठन तपस्या। लेकिन खैर, ये तो आईटी सेल के हेड हैं, इनका तो काम ही ये है, झूठ फैलाना, सच फैलाना, ये इनका काम है। लेकिन गोदी मीडिया इनके ट्विटर हैंडल से मुद्दे उठाकर एक एक घंटे की डिबेट भी कर रहा है। पहले हिंदू वर्सेस हिंदुत्व, अब तपस्या वर्सेस पूजा। इस आदमी ने बकायदा 1 घंटे की डिबेट कर डाली फेक न्यूज पर। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। मतलब ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस या कोई और पार्टी ऐसी डिबेट्स में अपने प्रवक्ता को भेजते ही क्यों हैं। कांग्रेस और दूसरी पार्टी के लोग जिस दिन अपने प्रवक्ता इन जहरीली डिबेट्स में भेजना बंद कर देंगे, या जितने भी पंडित हैं और मौलाना मौलवी हैं ये इन डिबेट्स में आना बंद कर देंगे, तो इनकी दुकान 1 दिन में बंद हो जाएगी। ये जितना जहर फैला रहे हैं इनको सुधरने में 1 दिन नहीं लगेगा, क्योंकि इनकी दुकान ही पूरी टीआरपी और टीआरपी के जरिए जो एड्स मिलती हैं और उन एड्स के जरिए जो पैसा आता है उस पे चल रही है। सिर्फ कांग्रेस और दूसरी जो ऑपोजिशन पार्टी है वो ही अपने प्रवक्ता भेजना बंद कर देंगी तो इन्हीं से इनका बंटाधार हो जाएगा। मतलब काम की बात ये कभी नहीं करेंगे, ना उस पर डिबेट करेंगे, ना दिखाएंगे। फिर क्या था, हमको बताने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को? वो बच्चे कहाँ से पढ़ लेते, कहाँ से वो इक्वली पढ़ लेते जिनके घर में मौतें हो रही है, जो खुद कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो प्रीलिम्स दे पाए, मेंस में बैठ नहीं पाए, मेंस में बैठे तो आधे में से उनको हटना पड़ा क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हो गए। यूपीएससी के एस्पिरेंट लगातार इस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो समय कोविड की वजह से उनके 1-2 साल खराब हुए हैं उसको कंपेंसेट किया जाए। जब आप एसएससी जीडी वालों को और आर्मी में कई वैकेंसीज को आप 1-1, 2-2 साल बढ़ा के दे रहे हैं, तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्यों नहीं दे रहे हैं? इसी के लिए विरोध चल रहा है, इनकी कोई बात नहीं होगी, हिंदू मुस्लिम लगातार चलता रहेगा। आप लोग कहें तो हम उनके पैर छूने के लिए तैयार है, हमें सिर्फ एक टाइम चाहिए। अब इनकी बात ना बीएनडी करेगा, ना वेनम चोपड़ा करेगा, ना चुशांत करेगा, और ना ही कौवा करेगा, क्योंकि इसमें टीआरपी जो नहीं मिलेगी इन्हें, मुद्दों से इन्हें मतलब थोड़ी ना है, ना देश के युवा से मतलब है, ना देश के मुद्दों से मतलब है, इनको सिर्फ टीआरपी से मतलब है। इन छात्रों की मांग सही है, गलत है, जैसी भी है, उस पर न्यूज चैनल्स पर डिबेट होनी चाहिए, सरकार के साथ बैठ के बात होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं हो रही है। ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और डंडे खा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर छात्रों की बहुत अच्छी हालत है, ना तो बिहार में बहुत अच्छी हालत है, वहां पे भी छात्र डंडे खा रहे हैं, ना राजस्थान में बहुत अच्छी हालत है, लेकिन इनकी बात करेगा कौन? ये नहीं, मुद्दा तो पूरा यही है कि हिंदू मुस्लिम डिबेट्स हटके जो मेन मुद्दे हैं उनकी बात कोई करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, टीआरपी नहीं है, और एक चीज यहाँ भी नहीं है, सब्सक्राइब का बटन दबाने में तेजी। जितने लोग देख रहे हैं उसके आधे भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो भैया देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।